ईचागढ़ की बात करें तो मुख्यतः विस्थापन की मुद्दा सामने आता है, तमाम जे बी केसेस के माध्यम से उठाया जाता है इस बात को लेकर। आगे का जो रणनीति है, कहीं ना कहीं 2024 में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, जिस तरह से सत्ता में दावेदारी करने की बात कही जा रही है, ईचागढ़ का किस तरह से रणनीति बन रही है? देखिए, ईचागढ़ की रणनीति यही बन रही है कि किस तरह से समर्थन देंगे, जिस तरह से अभी इलेक्शन का आएगा तो आपका एज उज हो गया है, वोट टूट कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं, 19 साल हो गया। अपना क्या मकसद से हम लोग लड़ रहे हैं? हम लोग का मेन मकसद है भाषा संस्कृति है, हम लोग का शिक्षा व्यवस्था है, हम लोग का रोड है, अपना अधिकार है, बस वही तो लड़ाई है। और वही जो वोट नंबर का था, वो आवाज़ नहीं उठाया। मुखिया का काम है, आवाज़ नहीं उठाया। आपको बता देना चाहेंगे कि ब्लॉक में अभी एमओ का पद खाली है। एमओ का पद खाली है मतलब अभी कौन है? बीडीओ है, और बीडीओ डीलर मिलकर इसके घोटाला का। अभी हम सुखसारी चांडिल में है और तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम लगातार इस चैनल पे देते आ रहे हैं। अभी चांडिल आने का मेन मोटो ये है कि जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा जो करम अखड़ा यानी करम महोत्सव रखा जा रहा है तमाम जगह पर, तो क्यों ना ईचागढ़ का चांडिल भी छूट जाए, तो इसीलिए आज रखा गया था। अभी हमारे बीच जो दादा लोग हैं ये जे बी केसेस के एक्टिव मेंबर हैं, और भी लोग हैं पर अभी हमारे साथ इन्हीं लोग हैं। इनसे हम बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईचागढ़ का स्कोप आगे क्या है, और अभी वार्षिक जो महत्व रखा जा रहा है, वार्षिक जो करम का त्यौहार रखा जा रहा है, ये जो कला संस्कृति है इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आगे रणनीति तय की है। जी दादा, सबसे पहले जोहार। अभी आप लोग यहाँ पे करम महोत्सव कर रहे हैं, और करम महोत्सव कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में हो रहा है, और अभी आपके क्षेत्र में भी हो रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे तमाम झारखंड वासी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को जोहार। आज का ये त्यौहार तो प्रत्येक वर्ष भाद्र महीना के एकादशी मनाया जाता है, लेकिन इस त्यौहार को हम लोगों ने मनाने का निश्चय इसीलिए लिया है कि उस तिथि को नहीं मना के अगले तिथि एक्सटेंड किया है, कि इस त्यौहार के माध्यम से, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं कई कई घरों में, लेकिन झारखंड की आज दशा और दिशा देख सकते हैं कि लोग अपने पौराणिक सभ्यता, पूर्वजों की सभ्यता को छोड़कर थोड़ा अर्बन एरिया में जाके लोग अपने पौराणिक सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। तो इस सभ्यता को रेजुविनेट करने के लिए और इसको उजागर करने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा एक बृहद करम पर्व का आयोजन किया जाए। जैसे हम लोग अपने माताओं बहनों भाई बहनों के त्यौहार, आज तक इस प्रकार का त्यौहार पूरे झारखंड में हमको लगता है कि इसके अलावा कहीं और नहीं होता है। तो ये जो झारखंड है ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की धरती रही है और बलिदानियों की धरती रही है। इस बलिदानियों की धरती के माध्यम से आज जो संस्कृति, वेशभूषा, भाषा है सभी को रेजुविनेट करने का एक अवसर मिला है हम सभी युवाओं को, और इस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के माध्यम से आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। दादा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, पहले का करम पर्व और आज के करम पर्व में क्या डिफरेंट पाते हैं आप? डिफरेंट यही है कि पहले के करम पर्व में पूर्वज हमेशा इस पर हाथ बढ़ाते थे, लेकिन अब युवा आए हैं। युवा आए मतलब रेवोल्यूशन मतलब बदलाव। आज देख सकते हैं करम में कुछ बदलाव नहीं आया है, करम का जो लोकल चीज़ है वो चल ही रहा है, जो हाथ से हाथ पकड़कर हाथ मिलकर चलना, एक साथ आगे बढ़ना, ये संदेश देता है कि हम लोग अपने राज्य, अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे, हाथ से हाथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, और इस क्षेत्र को और इस देश को, राष्ट्र को जितने आगे तक ले जा सकते हैं ले जाएंगे। अभी करम से हट के थोड़ा सा राजनीति में आया जाए, जिस तरह से ईचागढ़ की बात करें तो मुख्यतः विस्थापन की मुद्दा सामने आता है, तमाम जे बी केसेस के माध्यम से उठाया जाता है इस बात को लेकर। आगे का जो रणनीति है, कहीं ना कहीं 2024 में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, जिस तरह से सत्ता में दावेदारी करने की बात कही जा रही है, ईचागढ़ का किस तरह से रणनीति बन रही है? देखिए, ईचागढ़ की रणनीति यही बन रही है कि वर्तमान स्थिति हम लोग की यही है कि हम लोगों ने पिछले कई दिन हुए 10-15 दिन से इस अरेंजमेंट के चलते हम लोग विजिट नहीं किए थे, लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और हम लोग कर भी रहे हैं कि गांव घर जाकर लोगों को समझाना, अपने भाषा, संस्कृति, खान पान, और इस माध्यम से आज झारखंड कहां बैकफुट पर पहुंच चुका है अलग राज्य के माध्यम से। 40% खनिज अकेले बेयर करने वाला झारखंड आज इतने पीछे क्यों है, इसका कारण क्या है, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों, इस चाहे वो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो गाँव घर जाकर लोगों को रूबरू कराने का माध्यम हो, हर एक जगह जाकर हम लोग यही बताने की कोशिश करते हैं कि आज हम लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ रहना चाहिए। आज शैक्षणिक व्यवस्था, चाहे वो मूलभूत आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं हर चीज़ से हम लोग वंचित हैं। तो हम एक ही सवाल करना चाहेंगे, विधायिका हो चाहे सांसद हो, आप लोग विधि भी नियम बना नहीं सकते हैं, मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो फिर सदन में रहने की ज़रूरत क्या है?
जी एक बड़ी बात कहें, जिस तरह से संसद और विधायक पे सवाल उठाएं, तो उनके कार्य पे आप खुश हैं कि नहीं हैं आईजी सागरवासी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विगत कुछ दिन पहले कुछ चीज़ का उद्घाटन करने के लिए हमारे सांसद महोदय आए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने सवाल किया कि चांडिल डैम जो विस्थापन लगातार 40 साल का मुद्दा है, ये अब तक इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो पाया, केंद्र में आप क्यों नहीं बात रखते हैं? तो उन्होंने हमें कहा कि हमारी बात को नेलेक्ट करते हुए, फिर भी उन्होंने जब देखा कि मीडिया बंधु लोग को देखा, तो उन्होंने एक उत्तर दिया कि हमारी बात तो रखा है हमने, मैं सबसे पहला सांसद हूँ कि हमने आपके बातों को रखा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये बात सफल हो पाएगा। जब अगर आप बात रखते हैं, बात रखने का माध्यम क्या है, और अगर वो बात रखने का उद्देश्य क्या है कि उस चीज़ पर सफल होना, बात रखने से तो नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात है, उन्होंने एक बात कहते हुए टाल दिया कि ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार से पूछते हैं तो ये केंद्र सरकार का मामला है। इसी प्रकार से आज NHAI जो बन रही है, इस पर भी देख सकते हैं, विगत कुछ दिन पहले एक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें हमारे एक संगठन के कोई थे, रिलेशन के कोई थे, तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी धूलकण के कारण। तो NHAI जब बनाती है, तो NHAI भी हमारे झारखंड में जहाँ पे NHAI का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं कि रोड एकदम इस तरह से बनाया जा रहा है, बहुत ही स्लोली काम। अगर कहीं भी कुछ भी दुर्घटना घटित होती है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, थाना प्रभारी आके, CO VDO आके कहीं किसी तरह से भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकता पूरी हो। यहाँ जिस चीज़ के लिए लोग वंचित हैं, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, उस चीज़ का उपलब्धता पूरी तरह से मिले। तमाम झारखंडवासी को और इचागढ़वासी से किस तरह से, जिस तरह से JBKSS का परचम हर एक जगह पर लहर रहा है, JBKSS के अगर इचागढ़ में आप लाना चाह रहे हैं, अगर उसका विस्तृत करना चाह रहे हैं, किन किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाएंगे आप लोग? देखिए, सर्वप्रथम हम लोग लेना जाना चाहेंगे कि जो हमारे मूलभूत आवश्यकता है, सबसे पहले शिक्षा जी। शिक्षा से ही सवाल का उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले हम शिक्षा पे जाएंगे, और शिक्षा ऐसी शिक्षा का व्यवस्था हम लोग करेंगे कि देखिए, इंग्लिश सबसे पहला इम्पोर्टेंट है हमारे नज़र में। आज यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी स्पीच भी दे रहे हैं तो हम लोग सब बांग्ला हिंदी में दे रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी अस्मिता क्या है, हमारा लैंग्वेज हम लोग को नहीं पता है। जो हमारा नो लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, उस लैंग्वेज की जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जानकारी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का प्रचार हो और शिक्षा उस तक पहुँचे जो अपने भाषा के माध्यम से वो ग्रहण कर सके। दूसरी बात होगी स्वास्थ्य सेवा जो होगी, वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा रेवोल्यूशन हो गई, वो स्टैंडर्डाइज हो गई। और तीसरी बात होगी जो सड़क होगी, सड़क को निर्माण के लिए आगे जो भी होगा यहाँ के लिए निस्तरीकरण किया जाएगा और इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाएगा। जी दादा, जोहार। जोहार। और भी दादा लोग हैं, इनसे भी कुछ बातें करने कोशिश करते हैं। सबसे पहले दो शब्द तमाम झारखंडवासी का करम महोत्सव के अवसर पर हो जाए। देखिए, सबको करम जोहार, राड जोहार, झारखंडी जोहार। करम जोहार मतलब बोला जाए तो इसमें झारखंडी को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्पेशली झारखंडियों के लिए है। बाहर का लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, लोग करमा बोलते हैं, कोई अलग अलग नामों से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये हम लोग का प्राकृतिक पर्व है, भाई बहन का प्यार का है, एक बीज उपजाऊ का एक पर्व है, ये हमारा झारखंडियों का पर्व है। तो हमको नहीं लगता कि झारखंडियों को करम के बारे में कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि झारखंडियों को ऑलरेडी पता है करम के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग जो करम महोत्सव मना रहे हैं, ये JBKSS यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंडी जो कला संस्कृति मंच है उसके तरफ से दिया गया है। JBKSS का विस्तार को लेकर किस तरह का रणनीतियाँ बन रही है आपकी जगह? देखिए, रणनीति बहुत अच्छी तरह से है, और रणनीति हम लोग का ऐसा है कि भाषा संस्कृति अपना रहन सहन उस चीज़ों से हम लोग ले जा रहे हैं। यदि आज हम लोग विस्तार कर रहे हैं JBKSS का, तो आज हम लोग माध्यम लिए हैं एक मतलब अपना संस्कृति का, क्योंकि कहीं का नहीं मतलब संस्कृति कहीं ना कहीं देखिए अब क्या हाल हो गया, मतलब कहीं बाहरी संस्कृति आ गया। यदि कर्मा में देखिए, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले आप देखिएगा, कर्मा मतलब कर्म में वो लोग कर्मा बोल के अलग अलग भोजपुरी गानों में अलग अलग चीज़ों में डांस वगैरह करते थे, तो ये कहीं ना कहीं। और आज देखिए, कर्म को किस हिसाब से माना जाता, पहले हम लोग कर्म को नहीं जानते थे कि कर्म को कैसे मनाया जाता, क्या चीज़ है, आज हम लोग समझे ये आंदोलन के बदौलत। तो हम लोग का जरिया है, हम लोग भाषा संस्कृति अपना रहन सहन जो हम लोग का है, उस हिसाब से हम लोगों के पास जाएंगे, उस हिसाब से लोगों को समझाएंगे अपना क्या मकसद से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग का मेन मकसद है भाषा संस्कृति है, हम लोग का शिक्षा व्यवस्था है, हम लोग का रोड है, अपना अधिकार है, बस वही तो लड़ाई है, और वो वही हम लोगों के सामने कर रहे हैं। आज जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैसेज देने का ही काम है कि हम लोग भाषा अपना संस्कृति को हम लोग चाहते हैं, झारखंडी अपना भाषा संस्कृति से ही मतलब इतना आगे जाना जाता है, आप कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट करता है अपना संस्कृति, अपना भाषा, तो बस हम लोग यही है।
जी दादा जोहार। और भी एक दादा, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। JBKC से नया मुद्दा उठाया है, राशन कटौती को लेकर डीलर को पकड़ा जा रहा है और गरीबों के साथ मसीहा बन के खड़ा है। आपके क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है उसको लेकर? दादा मेरा गांव में आज का ही घटना आपको बताते हैं, रियल घटना। आज सुबह का घटना है कि मतलब सितंबर महीने में 2 करोड़ रसद कटा गया था, 8वां महीना का भी 9वां महीना का भी। और सर सुनने में आया कि 1 महीने का राशन मिल रहा है, 1 महीने का आधा मिल रहा है। आपके गाँव का भी? मेरा गाँव का आज का प्रॉब्लम सुबह का, जब आने से पहले का प्रॉब्लम है। मेरा भाई लाने गया था लेकिन उसको बोले मत लाना, आज चल नहीं लाना। लेकिन मेरा गाँव का देखिए, यहाँ पे गलती हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग अपने नेतृत्वकर्ता चुनते हैं, नेतृत्व करने वाला मेरा गांव का वार्ड मेंबर है, वो आवाज़ नहीं उठाकर हम क्यों आवाज़ उठाएं? एक उसके प्राथमिकता है ना। अब आखिर में तो हम हैं, क्योंकि हमारा भी टीम मजबूत है, जबकि से तो हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन पहला काम किसका था? वार्ड मेंबर का था, वो आवाज़ नहीं उठाया। मुखिया का काम है, आवाज़ नहीं उठाया। आपको बता देना चाहेंगे कि ब्लॉक में अभी MO का पद खाली है, MO का पद खाली है मतलब अभी कौन है? BDO है। और BDO डीलर मिलकर इसका घोटाला कर रहा है, देख साजिश है। अगर अभी हम कंप्लेन भी करने जाएंगे ना ब्लॉक में, तो मेरा बात टाल देगा, बोलेगा BDO प्रूफ लाइए। और अगर हम BDO करने जाएंगे, मेरा गांव वाला 200 रहा है, इतना भी मिल रहा है, बहुत मिल रहा है बोलेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब डीलर उस तरह का कर रहा है तो आप लोग आवाज़ क्या नहीं उठा रहे हैं गाँव वाला? दादा यही तो समस्या है ना कि शिक्षा, आवाज़ हम शिक्षित हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, मेरा गांव का पढ़ने वाला एकमात्र हम 3-4 को बच्चा होंगे, और JBKC में जुड़ने वाला हम सिर्फ 2 को बच्चा। अगर हम 2 को होंगे बाकी 98 एक साइड। एक चीज़ पे रोकना चाहूँगा, अभी आपका पढ़ाई जो उम्र है वो पढ़ाई का है, JBKC से क्यों जुड़ रहे हैं जी आप? जब इतना पढ़ के हम इतना आवाज़ उठा सकते हैं, अगर कुछ ज़्यादा पढ़ जाएंगे तो और भी अच्छा सा हम अपना बात को रख सकते हैं, इसीलिए हम पढ़ाई के साथ साथ आवाज़ भी उठाने सीख रहे हैं, ताकि और भी कुछ जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी सीखे। अच्छा JBKC को किस तरह से समर्थन देंगे? जिस तरह से अभी इलेक्शन का आएगा तो आपका एज उज हो गया है, वोट वोट कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं, 19 साल हो गया प्लस है। तो चलिए दादा से ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि 19 प्लस है। चलिए दादा आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह से मैं अपना मेरा व्यक्तिगत बता दूं कि मैं भी इचागढ़ से बिलोंग करता हूं, तो मुझे जानना ज़रूरी होता है, तो इसी को लेकर मैं अपना जो ज्वलन मुद्दा है उसको दिखाने का प्रयास किया हूं। बाकी कभी और ग्राउंड पे आके दिखेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।